हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस फूलों के राजा गुलाब के बारे में और जानेंगे कि कैसे आप अपने घर पर गुलाब का पाउडर तैयार कर सकते हैं जो कि बेहतरीन औषधीय गुणों से युक्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये जब फ्लावर्स थोड़े थोड़े से ड्राई होने स्टार्ट हो जाते हैं, इनकी पंखुड़ियाँ मुरझाने सी लगती है, तो हम क्या करते हैं कि इसको तोड़ करके ड्राई कर लेते हैं। ये देखिए, हमने जो है इसे पहले से बहुत सारे फ्लावर्स को भी इकट्ठे करके रखा था, उनकी पंखुड़ियों को हमने सुखाया था और आपको इनको जो है छाया के अंदर सुखाना है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये कुछ कैलेंडुला की पंखुड़ियाँ भी है जो भी बहुत ही मेडिसिनल इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फ्रेंड्स, गुलाब के जो पाउडर होता है उसका अगर आप डेली एक चम्मच सेवन करते हैं तो फ्रेंड्स, आपके शरीर की गर्मी दूर होती है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर किसी के पसीने से बदबू आती है तो भी वह गुलाब के पाउडर का सेवन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको जो है इनको छाया में सुखा लेना है और उनके बाद में आपको इन सूखे हुए जो पत्ते हैं उनको एक मिक्सचर में डाल देना है और आपको जो है इसे पीस लेना है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो कैलेंडुला के लीव्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने इसी तरीके से ये गुलाब का पाउडर तैयार किया था जो कि आप इसका फेस पैक में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको बालों में भी लगा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आप जो हैं इसका शरीर पर, पूरे शरीर पर भी लेप कर सकते हैं। आप स्टीम ले रहे हों उस वक्त भी आप इस पाउडर को जो है पानी में ऐड कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी नेचुरल आपको एरोमा थेरेपी देगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर किसी के दिल की जो है धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है जैसे, तो उस समय में भी आप जो है आधा चम्मच गुलाब का पाउडर जो होता है उसको आप पानी के साथ में लें तो बहुत ही आराम होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, गुलाब के और गुलाब जल के बहुत सारे फ़ायदों के बारे में चैनल पे ये वीडियो पहले से डाला हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि इस तरह से घर पर गुलाब का पाउडर तैयार करके आप भी उससे लाभ लेंगे। थैंक